भोजपुरी फिल्म जगत के तीसरे चरण में जिस फिल्म ने लंबे समय तक दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखा था, उस फिल्म का नाम था पटना से पाकिस्तान। जी हां, 6 मार्च 2015 को रिलीज हुई इस फिल्म ने भोजपुरिया पर्दे पर नई क्रांति ला दी थी। फिल्म ने सफलता का परचम तो लहराया ही था, साथ ही पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर इसके बाद बनने वाली फिल्मों की झड़ी लग गई। अब एक बार फिर से पटना से पाकिस्तान को दर्शक देख सकेंगे, पर नई कहानी और नए अंदाज के साथ। जी हां, भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की होम प्रोडक्शन कंपनी निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पटना से पाकिस्तान के निर्माता अनन्या क्राफ्ट एंड विजन के साथ मिलकर पटना से पाकिस्तान 2 बनाएंगे। पिछले दिनों पूर्वांचल टॉकीज की 23 जून को रिलीज हो रही फिल्म जिगर के एक दिन के प्रमोशनल शूट के अवसर पर जुबली स्टार निरहुआ और अनंजय रघुराज ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। इस मौके पर प्रसिद्ध निर्माता आलोक कुमार, विकास कुमार, सुपरहिट अदाकारा आम्रपाली दुबे, बैडमैन अवधेश मिश्रा, निरहुआ चलल लंदन के निर्माता सोनू खत्री, निर्देशक प्रेमांशु सिंह, निर्देशक विशाल वर्मा, निरहुआ के बिजनेसमैन मैनेजर सनीसा और प्रचारक उदय भगत मौजूद थे। इस मौके पर निरहुआ ने बताया कि अभी फिलहाल इसकी घोषणा की जा रही है, जल्द ही फिल्म और इससे जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों का चयन कर लिया जाएगा। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर महीने में होगी और पटना से पाकिस्तान की तरह ये फिल्म भी होली पर 2018 में रिलीज होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।